नमस्कार साथियों, मेरा नाम दीपक कुमार साहू। एक बार फिर से मैं आप सबका न्यू लाइव विद दीपक में स्वागत करता हूं। आज अमीन का ये तीसरा दिन है। आज हम लोग इसमें ऐसे पैमाने पढ़ेंगे जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी वही हैं, भारतीय लेवल पर भी तो हर देश में, मतलब हर राज्य में वही है, हर जिले में वही है, कहीं बदलने वाला नहीं है। जैसे हेक्टेयर, एकड़, एयर और डिसमिल, ये पूरे हिंदुस्तान में कहीं बदलता नहीं है। इसलिए पहली जानकारी हमें इस बात की होनी चाहिए जो कहीं नहीं बदलता। उसके बाद हम लोग बीघा विषय सीखेंगे जो कि हर राज्य में, यहाँ तक कि हर जिलों में भी अलग अलग है। ठीक, तो पहले इन चारों टर्म्स को समझते हैं, हेक्टेयर, एकड़, एयर और डिसमिल, कि आखिर ये है क्या। तो पहली चीज जान लीजिए कि ये चारों जो माप हैं ये जमीन के लिए हैं, मतलब जमीन का क्षेत्रफल मापते हैं, हेक्टेयर, एकड़, डिसमिल और एयर। तो अगर मैं इनकी चर्चा करूं कि एक हेक्टेयर जो होता है उसका माप क्या है, एक हेक्टेयर की माप, तो ये बहुत आसान है, आप सब लोग जानते हैं, 10,000 वर्ग मीटर को एक हेक्टेयर बोलते हैं। ये बहुत ही कॉमन चीज है, इसे आमतौर पर सभी लोग जानते हैं। मैं जो चारों पैमाने हैं उनको मैं मीटर से नाप रहा हूँ। उसका रीजन ये है ना कि मीटर बहुत सही होता है, वो कहीं भी, अगर मैं फिट ले लूंगा तो फिट भी मीटर से, मैंने कल की वीडियो में बताया था कि 1 मीटर बराबर 3.28 फिट, लेकिन 2.8 के बाद भी पॉइंट लगा रहता है, यानी कि जमीन नापते समय थोड़ा सा इधर उधर, मतलब कम ज्यादा जमीन हो जाती है फिट में, लेकिन मीटर में बिल्कुल नहीं होती। इसलिए हम मीटर में चेक करेंगे कि एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर, ठीक उसी तरह से एक एकड़ जो जमीन होती है, एक एकड़, एकड़ थोड़ा हेक्टेयर से छोटा होता है, तो जो एक एकड़ जमीन होती है वो होती है 4,048.5 वर्ग मीटर। ठीक, वर्ग मीटर ही है सब, वर्ग मीटर। ये 4,048.5 वर्ग मीटर कैसे आया अभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम याद रखते हैं कि 4,048.5 यानी इसके आधा से थोड़ा कम अगर जमीन है तो वो एक एकड़ जमीन है। तीसरा शब्द आता है एयर का, जो कि बहुत ही विवादित है। अगर मैथमेटिकल आप देखेंगे मैट्रिक पद्धति में, तो आपको हिंदुस्तान के हर किताब में यही मिलेगा कि एक एयर में 100 वर्ग मीटर होता है, एक एयर में कितना वर्ग मीटर होता है, 100। इसका मतलब कि अगर हेक्टेयर से चर्चा करेंगे तो एक हेक्टेयर में 100 वर्ग मीटर, एक हेक्टेयर में 100 एयर होता है। लेकिन आप जब लोकल में जाएंगे, किसी लेखपाल से मिलेंगे, अमीन से मिलेंगे, तो वो ये बताएंगे कि एक हेक्टेयर में 1,000 एयर होता है। तो अगर मैं 1,000 एयर की बात करूं, जो कि किताबों में कहीं नहीं है, हमने तो कहीं नहीं पाया है, गूगल पर भी सर्च करिए, एक एयर में 100 वर्ग मीटर ही देगा। फिर भी अगर मैं उनकी बात मानूं कि एक हेक्टेयर में 1,000 अगर एयर होता है, तो वहां पर एक एयर में 10 वर्ग मीटर होगा, मतलब इसको आपको दोनों याद रखना है। मैथमेटिकल में एक एयर में 100 वर्ग मीटर, लेकिन जमीन जो लोकल में नपती है उसमें एक एयर को 10 वर्ग मीटर मानते हैं, यानी कि 10 वर्ग मीटर का मतलब 5 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी, 5 × 2 = 10 वर्ग मीटर, ऐसी जमीन को एक एयर कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब चौथी बात आती है डिसमिल। तो डिसमिल में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, डिसमिल हर जगह सेम है, एक डिसमिल में 40 वर्ग मीटर होता है। अब आपको कहीं कहीं 40.48 मिलेगा, यानी कि 40 के बाद पॉइंट लगा रहेगा, वो पॉइंट क्यों लग जाता है, वो उसका भी रीजन है, वो भी सही नहीं है, सही यही है, क्यों सही है हम अभी प्रूव करेंगे। तो ये चारों चीजें, ये जो चारों शब्द लिखे गए, ये पैमाने हैं, और इन पैमानों से क्या मापा जाता है, जमीन का क्षेत्रफल। अब यहां तो हमें याद करने वाली बात है, रटने वाली बात है, इनका, इनकी जरूरत क्या है या एक दूसरे से इनका संबंध क्या है, पहले ये हम समझ लें
तब उसके बाद हम एक दूसरे को एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे। जैसे पहली बार अगर मैं हेक्टेयर की और एकड़ की बात करूं, तो एक हेक्टेयर बराबर 2.47 एकड़ होता है। इसे मैं लगा रहा हूं स्टार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये समझिए। एक हेक्टेयर अगर जमीन है तो आप उसको एक हेक्टेयर बोलिए, या उसी जमीन को आप बोल दीजिए कि यह जमीन 2.47 एकड़ है। क्लियर? ये भी मैं मैथमेटिकल गणित के हिसाब से बता रहा हूं, ये ऑथेंटिक है। कहीं कहीं एक हेक्टेयर में 250 एकड़ भी मिलते, 2.50 यानी कि 2.5 एकड़ भी मिलता है, जो कि सही नहीं है। सही यही है 2.47 एकड़। अब अगर आप एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है और 10,000 वर्ग मीटर में 2.47 का भाग करोगे तो 4,048.5 वर्ग मीटर आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहां पे लिखा कि एक एकड़ में 4,048.5 वर्ग मीटर होता है। कैसे? 10,000 वर्ग मीटर को बोलते हैं एक हेक्टेयर, ठीक है, और एक हेक्टेयर में 2.47 एकड़ होता है, तो 2.47 का जब भाग कर दोगे तो आएगा 4,048.5। तो ये किसकी माप आ गई? एक एकड़ की। इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है एक एकड़ बराबर 4,048.5। अब प्रश्न ये उठता है कि हम हेक्टेयर को एकड़ में कैसे बदले। तो इसको बदलने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है, जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है 2.5 एकड़, मान लीजिए लिखा हुआ है 2.5 हेक्टेयर, 2.5 हेक्टेयर। अब आपको इस जमीन को एकड़ में बदलना है, तो आप क्या करेंगे? 2.5 में सीधे सीधे 2.47 का गुणा कर देंगे, क्योंकि एक हेक्टेयर में 2.47 एकड़ होता है, इसीलिए जितना भी हेक्टेयर है उसमें इसका गुणा होगा। तो जैसे ही इसका गुणा होगा तो आएगा 6.175 एकड़। पहला तरीका सबसे आसान है, हेक्टेयर को एकड़ में बदलना है, जितना भी हेक्टेयर है उसमें 2.47 का गुणा कर दो, जो आए वो एकड़। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि जो लिखा हुआ है उसमें 10,000 का गुणा कर दो, जो हेक्टेयर लिखा है उसमें 10,000 का गुणा कर दो, तो वो क्या बन जाएगा? वर्ग मीटर। और जब वर्ग मीटर बन जाएगा तो एक एकड़ में 4,048 वर्ग मीटर होता है, 4,048.5 वर्ग मीटर होता है। तो हेक्टेयर को वर्ग मीटर में बनाकर 4,048.5 में भाग कर दो, तब भी वही आएगा जो डायरेक्ट 2.47 का 2.5 में गुणा करने पर आता है। इसका मतलब कि अगर आपको सीधे एकड़ में बदलना है तो सीधे हेक्टेयर में 2.47 का गुणा करो, सीधे नहीं बदलना है, समझ में बात नहीं आ रही है, तब आप उसमें 10,000 का गुणा करो, वर्ग मीटर बनाओ और फिर वर्ग मीटर जितना होता है एक एकड़ में उसका भाग दे दो, सीधा एकड़ आ गया। अब इसी का ठीक उल्टा का मतलब यह हुआ कि जैसे मान लीजिए जमीन है 6.175 एकड़, ठीक इसी का उल्टा, कहीं लिखा हुआ है कागज में 6.175 एकड़ जमीन है और आपको ये समझना है कि ये कितना हेक्टेयर है, तो सीधा सीधा 6.175 में भाग कर दो, किसका? उसी का 2.47 का, सीधा आ जाएगा 2.5 हेक्टेयर। आपने क्या समझा? हेक्टेयर बड़ा पैमाना होता है, बड़ा खेत होता है, एकड़ छोटा खेत होता है। बड़े को छोटे में बदलने के लिए हमेशा गुणा होता है, इसीलिए गुणा किया गया, और छोटे को बड़े बदलने के लिए हमेशा भाग होता है। एकड़ छोटा होता है, हेक्टेयर बड़ा होता है, तो एकड़ से हेक्टेयर बनाएंगे तो 2.47 का भाग करेंगे और हेक्टेयर से एकड़ बनाएंगे तो 2.47 का गुणा करेंगे, यही ध्यान रखना है। जैसे मैंने हेक्टेयर से एकड़ बनाने के लिए 10,000 का गुणा करके भाग किया था,
उसी तरह से एकड़ को भी हेक्टेयर बनाने के लिए आप कर सकते हैं। कैसे? 6.175 एकड़ जमीन है, एक एकड़ में कितना वर्ग मीटर होता है? 4048.5, ये बन गया वर्ग मीटर। और आप इसमें 10,000 का भाग कर दो तो सीधा आपका आ जाएगा, क्या आएगा? 2.5। कहने का मतलब दोनों तरीका है, लेकिन एकड़ और हेक्टेयर की सबसे खास बात यही है कि आपको वर्ग मीटर में बदलने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा गुणा करो या सीधा सीधा भाग करो। अब आते हैं दूसरे टर्म पर। दूसरा है, एक हेक्टेयर में 100 एयर होता है, एक हेक्टेयर बराबर 100 एयर, ये मैथमेटिकल के आधार पर मैं बता रहा हूं, ठीक है, ऑथेंटिक। एक हेक्टेयर बराबर 100 एयर, इसका मतलब कि अब आपको अगर हेक्टेयर को डायरेक्ट एयर में बदलना है तो 100 का गुणा कर दो। जैसे मान लो लिखा हुआ है 2.5 हेक्टेयर लिखा है, आपको इसको एयर में बदलना है, तो आप क्या करेंगे, 2.5 में सीधा 100 का गुणा कर दीजिए। जब 100 का गुणा करेंगे तो 2 अंक यानी कि 250, ठीक है भाई, 2.5 एक अंक है, 10 इसका, 10 एक्स्ट्रा में 250 एयर। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि इसको वर्ग मीटर में चेंज करो और फिर 100 का भाग दो। तो क्या मतलब है बवाल पालने से, सीधा 2.5 में 100 का गुणा कर दो। अगर इसी तरह का उल्टा करना है, उल्टा का मतलब कि आपको दिया गया है मान लीजिए 500 एयर जमीन है, ठीक, और इसे आपको कहा जा रहा है कितना हेक्टेयर है ये बताओ, तो आपको बस 500 में 100 का भाग दे देना है तो कितना आ जाएगा, 5 हेक्टेयर। समझिए, फिर से वही बात, बड़े को छोटे में बदलने के लिए गुणा होता है, छोटे को बड़े बदलने के लिए भाग। हेक्टेयर बड़ा है, एयर छोटा है, हेक्टेयर से एयर में बदला गया तो 100 का गुणा हुआ। क्यों 100 का? क्योंकि एक हेक्टेयर में 100 एयर होता है, एयर छोटा होता है, हेक्टेयर बड़ा, तो एयर को हेक्टेयर में यानी कि बड़े में बदला गया तो 100 का भाग हुआ उसी 100 का। जैसे हेक्टेयर को एकड़ वाले में 2.47 का गुणा होगा या भाग होगा, है ना, उसी तरह से हेक्टेयर का एयर का संबंध जो है वो 100 से है, 100 का या तो गुणा होगा या तो भाग होगा। अब इसी तरह से आता है डिसमिल, तो ये स्टार लगा देते हैं, बिल्कुल उसी तरह से अगला भी स्टार है डिसमिल। एक हेक्टेयर बराबर 250 डिसमिल होता है, महत्वपूर्ण बात, एक हेक्टेयर में कितना डिसमिल होता है, 250 डिसमिल, इसीलिए एक डिसमिल में 40 वर्ग मीटर आया था। अब देखो फिर से वही चीज आपके सामने, मान लीजिए लिखा है 2.5 हेक्टेयर की जमीन, इसे आपको डिसमिल में बदलना है तो आप 2.5 में सीधा सीधा 250 का गुणा कर देंगे। 2.5 में 250 का गुणा करेंगे तो 25 × 5 = 625 डिसमिल। ढाई हेक्टेयर में कितना डिसमिल जमीन होगा, 625 डिसमिल। यहां भी बिल्कुल सीधा संबंध, हेक्टेयर बड़ा होता है, डिसमिल छोटा होता है, बड़े को छोटे बदलने के लिए गुणा किया गया, और गुणा किसका होगा, 250 का। 250 का इसलिए क्योंकि हेक्टेयर और डिसमिल का संबंध 250 से है। इसी का उल्टा अगर हो जाए, 625 डिसमिल है और इसको आपको हेक्टेयर में बदलना है तो क्या होगा, भाग होगा, 625 का भाग कर दीजिए किसमें, 250 में, तो कितना आ जाएगा, वही आएगा जो इधर आया है, 2.5 हेक्टेयर। तो हेक्टेयर और डिसमिल का भी संबंध आप अच्छे से समझ गए। अब आपने ये समझा कि हेक्टेयर को एकड़ में कैसे बदले, हेक्टेयर को एयर में कैसे बदले, हेक्टेयर को डिसमिल में कैसे बदले। अब मान लीजिए कि हेक्टेयर की चर्चा ही नहीं हो रही है, बल्कि सीधे सीधे ये पूछा जा रहा है कि एकड़ को डिसमिल में कैसे बदलें, एकड़ को डिसमिल में। जैसे लिखा है 2.47 एकड़,
जमीन है, आपको इसे चेंज करना है डिसमिल में। किसमें चेंज करना है? डिसमिल में। तो देखिए सबसे पहले अब यहां कोई अब आप मत याद करिए ऐसा कि एक हेक्टेयर में कितना डिसमिल होता है, एक डिसमिल में कितना हेक्टेयर होता है, ये मत याद करो, क्योंकि ये याद करोगे तो सही नहीं आएगा, क्योंकि पॉइंट में बहुत लंबा तक जाता है। अब आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा और कैलकुलेशन बहुत सरल है, बहुत सरल है। आप देखिए जब भी एकड़ को हेक्टेयर में कहेगा तो 2.47 जानते ही हैं, भाग करो। लेकिन हेक्टेयर को अन्य में कह रहा है, जैसे कि डिसमिल में कह रहा है या एयर में कह रहा है बदलने के लिए, तो आप इसको सीधा सीधा पहले वर्ग मीटर में बदल दो। 4.7 में सीधा सीधा 4048.5 का गुणा कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? वर्ग मीटर। एकड़ को चाहे डिसमिल में बदलना हो, चाहे एयर में बदलना हो, चाहे हेक्टेयर में बदलना हो, चाहे जिसमें बदलना हो, ये विधि काम करेगी। आपको सीधा एकड़ में 4048.5 का गुणा करना है। अब आपको बदलना है डिसमिल में, तो एक डिसमिल में कितना वर्ग मीटर होता है? 40। तो 40 का भाग करो। अगर आपको बदलना है एयर में, तो एक एयर में कितना वर्ग मीटर होता है? 100। तो यहां 100 लिखो, ये यही रहेगा, बस यही बदलेगा। जिसमें बदलना है उसी का भाग करना है। अब जब भाग मतलब इसको हल करेंगे, 2.47 × 40 × 48.5 भाग 40, तो आएगा 249.99। 249.99 डिसमिल। पॉइंट 99 का मतलब अब इसमें एक आप और जोड़ सकते हो, सीधा सीधा 250 डिसमिल। मोटा मोटा मान लीजिए कि 250 डिसमिल आया 2.47 एकड़ में। इसी को मान लीजिए एकड़ को एयर में बदलना है, तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, ये जो लिखा हुआ है ये तो यही रहेगा, 2.47 × 40 × 48.5 भागा 100, क्योंकि आप एयर में बदल रहे हो, तो 100 का भाग करोगे एयर में बदलने के लिए, तो क्या आएगा? 101.2125। 101.2125 एयर। अब इसी तरह मान लीजिए कि एयर को एकड़ में बदलना है, एयर को एकड़ में बदलना है, तब क्या करोगे? तब आप भी कुछ नहीं करोगे, जो एयर दिया है ना, एयर एयर में 100 का गुणा करोगे, क्योंकि वो 100 का गुणा करने पर वर्ग मीटर बन जाएगा, और जैसे ही वर्ग मीटर बन जाएगा फिर उसमें 4048.5 का भाग कर दोगे तो वो एकड़ बन जाएगा, मतलब ठीक इसी का उल्टा। अब हम समझते हैं एक उदाहरण के तौर पे कि खतौनी में अगर लिखा हुआ है इस तरह से, तो हम उसे डायरेक्ट डिसमिल में या एकड़ में या एयर में कैसे बदलें। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे लिखा हुआ है खतौनी में 0.0125 हेक्टेयर। अब कह रहा है कि इसे जो है डिसमिल में बताओ कि ये कितनी डिसमिल जमीन है, यानी ये जो खतौनी में जमीन लिखी है ये कितनी डिसमिल है, तो आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं, सीधा सीधा जो लिखा हुआ है 0.0125 इसमें 10,000 का गुणा कर दो। जब 10,000 का गुणा कर दोगे तो ये वर्ग मीटर बन जाएगा, 125 वर्ग मीटर बन गए। इसको चाहे डिसमिल में बदलना हो तब भी 10,000 का गुणा करो, 125 वर्ग मीटर पहले बना, एकड़ में बदलना है तब भी, एयर में बदलना है तब भी, 10,000 का गुणा करने से वो वर्ग मीटर में बन जाएगा। अब जब वर्ग मीटर में बन गया तो इसमें अगर आप 40 का भाग करते हो तो ये डिसमिल बन जाएगा, 100 का भाग करते हो तो एयर बन जाएगा, 4048.5 का भाग करते हो तो एकड़ बन जाएगा, कुछ भी कर सकते हो। तो कितना आएगा? 125 में 40 का भाग करेंगे तो 3.125 डिसमिल। अब मान लो इसी को डिसमिल में नहीं बदलना था, एयर में बताना था, बताओ ये कितनी एयर जमीन है, तो आपने वर्ग मीटर में बदला तो कितना आया? 125। अब 125 में 100 का भाग कर दो, क्योंकि एक एयर में 100 वर्ग मीटर होता है, तो क्या आ जाएगा? 1.25 एयर। इसी तरह से एकड़ में बदलना है तो इसमें 4048 का भाग करो, ये पॉइंट में आएगा। तो इस तरह से हमने आज सीखा कि हम एकड़,
हेक्टेयर डिसमिल और एयर को कैसे नाप सकते हैं, कैसे एक दूसरे को चेंज कर सकते हैं, ये कहीं बदलने वाला नहीं है। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हैं तो ये लागू होगा नियम, ठीक है। अब अगले वीडियोस में हम आप सीखेंगे बीघा बिस्वा, लेकिन उसके पहले सारे पैमाने सीखेंगे। सारे पैमाने का मतलब जरी, फरलांग, गज, फुट, इंच, ये सब, ताकि इन्हीं से तो जमीन नपती है ना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।